सोलन के LIC कार्यालय के समीप IPH विभाग के स्टोर में रखी पाइपों में अचानक आग लग गई, जिसके कारण विद्युत विभाग के 132 केवी डबल सर्विस ट्रांसफार्मर लाइन के टावर नंबर 176 को खासा नुकसान पहुंचा है। आग लगने की सूचना तुरंत अग्निशमन केंद्र को दे दी गई। जानकारी के अनुसार सोलन के IPH विभाग के पाइपों के स्टोर में रखी गई प्लास्टिक की पाइपों में अचानक आग लग गई, जिसको पुलिस चौकी सपूरन के मुख्य आरक्षी अंबीलाल तथा अन्य पुलिस जवानों ने देख लिया और तुरंत आग की सूचना दमकल केंद्र को दी। अग्निशमन केंद्र को सूचना मिलते ही अधिकारी व जवान एक वाहन को लेकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब आधे घंटे में दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू भी पा लिया, साथ ही करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचने से बचाने में भी कामयाबी हासिल की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि IPH विभाग के स्टोर में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल व पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो एक बड़ा हादसा होने की संभावना थी। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक की पाइपों में लगी आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया है और सब कुछ सुरक्षित है। पुलिस के कुछ कर्मचारी किसी और मैटर पे आए होंगे जो सपरून चौक के लगभग ये LIC ऑफिस के आसपास एक्सीडेंट के, तो यहाँ पे उन्होंने एक ये 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन है और ये जो टावर है यहाँ पे कोई आग का इंसिडेंस देखा होगा, तो अकॉर्डिंगली कंसर्न डिपार्टमेंट फायर IPH जिनका स्टोरेज वगैरह है यहाँ पे और फायर सर्विसेज को इन्फॉर्म किया होगा, तो हमारे सभी कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स थे उनके अधिकारी यहाँ पहुंच गए और जो हमारे फायर के थे कर्मचारी वो यहां आए और उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाते हुए इमीडिएटली पहुंचे और अपना कार्यवाही करते हुए यहां जो डंप को सुरक्षित किया और ये जो टावर पे भी जो आग लगी थी उस पे को भी कंट्रोल कर लिया। टेंशन वायर्स है, अगर ये केबल्स वगैरह गिरती तो किसी को जाने नुकसान भी, जो आसपास की पॉपुलेशन है उन सबको भी हो सकता था, पर बाय गॉड्स ग्रेस हम सब लोग यहां पे थे, आसपास थे, सारे डिपार्टमेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया और तत्परता से इसको अर्ली कंट्रोल किया है, तो इस तरह का कुछ भी होने का अंदेशा नहीं, सब कुछ सेफ है।